हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम एक स्पेशल खीर बनाएंगे। इसमें हम मिल्क का यूज नहीं करेंगे। दूध फट जाने के बाद हम छेने को तो रखते हैं, लेकिन पानी को फेंक देते हैं। उसी पानी से आज हम खीर बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास फटे हुए दूध की पानी लिया है। चावल मैंने यहाँ पर सीताभोग चावल का यूज किया है। दो तेज पत्ता मैंने यहाँ पर कोकोनट को ग्राइंड करके रखा है। दो चम्मच घी, नमक और शुगर। अब हम खीर बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसी ग्लास के मेजरमेंट से एक ग्लास चावल लिया है। अब हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रखकर उसे गर्म होने देंगे। गर्म हो जाने के बाद हम इसमें चावल को डाल देंगे। चावल को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी घी डालेंगे। घी डालकर इसे एक मिनट के लिए भुनना है। एक मिनट हो जाने के बाद जिस ग्लास में हम चावल लिए थे उसी ग्लास में हम दो ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसमें तेज पत्ता और नमक डालकर इसे ढककर तीन सीटी आने तक पकाएंगे, गैस की फ्लेम को हाई में रखकर। मुझे थोड़ी सी पानी कम लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर आधे ग्लास पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें तेज पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे ढककर तीन सीटी आने तक पकाएंगे, गैस की फ्लेम को हाई में रखकर। मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर की ढक्कन को बंद कर लिया है। ये हमारी पहली सीटी आ चुकी है और दो सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तीन सीटी आ चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम कुकर की ढक्कन को खोलते हैं। देखिए, चावल हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इस चरखा की मदद से इसे थोड़ा सा घोट लेंगे। इसी तरह से घोट लेंगे। मैंने चावल को अच्छे से घोट लिया है। अब हम खीर बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। मैंने यहाँ पर चावल को एक पैन में निकाल दिया है। गैस के ऊपर रखकर इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें फटे हुए दूध की पानी को डालकर इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई में रखा है। इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे।
उबाल आ जाने के बाद हम इसमें कोकोनट को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उबल आ जाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी पानी डालकर इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक इसे पकाएंगे गैस की फ्लेम को मीडियम में रखकर। दस से पंद्रह मिनट तक पकाना है। 15 मिनट हो चुकी है, अब हम ढक्कन खोलकर इसमें शुगर को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारी खीर बन चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप चाहे तो इससे इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे काजू किशमिश डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। मैंने यहाँ पर खीर को प्लेट में निकाल दिया है। ये हमारी बन गई खीर। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।